हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट का प्रैक्टिकल टेस्ट करके दिखाऊंगा। इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब होता है कि इनिशियली सीमेंट कम से कम कितने टाइम में सेट होनी चाहिए। अगर उससे पहले सेट हो गई तो वो मिक्सर में ही TM के अंदर या मिलर के अंदर ही सेट हो जाएगा पूरा कंक्रीट, वो हमारे लिए यूजेबल नहीं रहेगा, फिर हमें उसके अंदर एडमिक्सर डालने पड़ेंगे। सिमिलरली फाइनल सेट कितने टाइम के बाद आना चाहिए, तो जनरल केसेस में आपका इनिशियल सेटिंग टाइम कभी भी 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट 600 मिनट्स और यू कैन से 10 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब उससे पहले सेट होना चाहिए और 30 मिनट्स के बाद ही सेट होना चाहिए। तो बेसिकली टेस्ट परफॉर्म करने के लिए मैं यूज करता हूँ IS कोड नंबर 4031 पार्ट नंबर 5 विकेट अपरेटस पे मैं ये टेस्ट करूंगा। मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो में विकेट अपरेटस की दोनों नीडल को दिखाया था, इनिशियल सेटिंग टाइम की और फाइनल सेटिंग टाइम की नीडल को मैंने आपको मैं दिखा चुका हूं। तो देखिएगा, पहले रिपोर्ट दिखाई। तो टेस्ट परफॉर्मा फॉर डिटरमाइनिंग द फाइनल एंड इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट एज पर IS कोड नंबर 4031 पार्ट नंबर 5 फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट। आफ्टर 1000 बैग्स हम इस टेस्ट को परफॉर्म करवाते हैं या वीक वाइज, वो डिपेंड करता है SOP और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या FQOP ऑफ द फील्ड क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। फील्ड क्वालिटी एश्योरेंस प्लान या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के ऊपर आधारित करता है। सैंपल नंबर छोड़ दीजिए, ब्रांड ऑफ द सीमेंट अल्ट्राटेक, टाइप ऑफ सीमेंट PPC, आपका PPC सीमेंट है तो IS कोड नंबर 1489 आपका यूज होगा। डेट ऑफ टेस्टिंग इज टुडे, दैट इज 29th of December 2020। डेट ऑफ सैम्पलिंग 29th of December 2020। हम स्टार्टिंग में 300 ग्राम का सैंपल लेंगे। मेथड ऑफ टेस्टिंग इज IS कोड नंबर 4031 पार्ट नंबर 5। हम लास्ट वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी मेरी 30% आई थी। तो यहाँ पर इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम निकालने के लिए मुझे वेट ऑफ वाटर की जरूरत होगी 0.85 × P, दैट इज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी P, 0.85 × 90, दैट इज 76.5 ग्राम। तो हम लोग इसमें इनिशियल टाइम नोट कर लेंगे और फाइनल टाइम नोट कर लेंगे कब। पेनिट्रेशन ऑफ नीडल जो है वो 5 mm प्लस माइनस 0.5 mm रहना चाहिए, मीन्स 4.5 mm से 5.5 mm के बीच में नीडल जब पेनिट्रेट करके पहुंच जाएगी, कितने टाइम के बाद पहुंचेगी वो हमें नोट करना है। लेट अस सपोज दैट इनिशियल हमने जब प्रोसेस स्टार्ट किया था तब 9 बजे थे और 5 mm की पेनिट्रेशन तक पहुँचते पहुँचते उसने टाइम ले लिया मान लीजिए 40 मिनट, तो 9:40 तो हमारा 40 मिनट हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाएगा। तो देखिएगा, मेरे क्लीग्स हैं ये आपको टेस्ट पूरा परफॉर्म करके दिखाएंगे। ये मेरा सीमेंट सैंपल है, इसमें मेरा डिस्टिल्ड वाटर रखा हुआ है, ये आपका कप है जिसके अंदर हम IST एंड FST चेक करेंगे। दिस इज़ विकेट अपरेटस एज पर IS कोड नंबर 5513। ये दोनों मिक्सिंग टूल्स हैं आपके, ये छोटा जार मैंने ले लिया है मिक्सिंग ऑफ और वाटर करवाने के लिए। यहाँ पर ये ट्रे रखी हुई, इसकी मैंने 0 रीडिंग कर दी है, ट्रे का वेट माइनस कर दिया है, ये मेरा वेट बैलेंस है। तो हम लोग पहले 300 ग्राम सैंपल लेंगे और उसमें 76.5 ग्राम वाटर मिलाएंगे। तो पहले 300 ग्राम सैंपल लीजिए, इसकी रीडिंग अभी 0 है, इसमें 300 ग्राम सैंपल डालिए। 300 ग्राम सैंपल, ये हमारे फोरमैन साहब हैं राजेश जी, जो आपको पूरा टेस्ट हर एक टेस्ट कंप्लीट परफॉर्म करके दिखाते हैं। बहुत ही अच्छी टेक्निकल नॉलेज है इनकी, इनकी हेल्प से, इनके कोऑपरेशन से ही हम लोग सारे टेस्ट परफॉर्म कर पा रहे हैं। ये देखिए, इन्होंने 300 ग्राम सैंपल, ये सैंपल को हटा दीजिए यहाँ से। अब हमें 76.5 ग्राम वाटर लेना है, एग्जैक्ट 76.5 ग्राम हम वाटर लेंगे, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का 85%, 0.85%। पहले इसको 0 रीडिंग कर लीजिए, अभी जार का वेट माइनस हो जाएगा। अब इसमें 76.5 ग्राम वाटर हम लेंगे, तो ये देखिएगा, हमने 76.5 ग्राम वाटर लेना कंप्लीट, 76.5 इंक्रीज और कीजिए, बस। तो ठीक है, अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। मिक्सिंग टाइम या गेजिंग टाइम हमारा 3 to 5 मिनट्स है, 3 से 5 मिनट में इसका मिक्सिंग टाइम है या गेजिंग टाइम है,
का पेस्ट बनाएंगे, फिर उस कप में भरेंगे और इनिशियल सेटिंग टाइम की जो नीडल है इसका पेनिट्रेशन चेक करवाएंगे, टोटल 5 mm तक ये कितने समय में पहुंचता है। तो ये देखिएगा हमारा पेस्ट बनने लग रहा है अभी, 2 मिनट्स पूरी हो चुकी हैं। उसके बाद हम इसकी फिलिंग करवाएंगे कप के अंदर फॉर डिटरमिनेशन ऑफ द इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। तो ये हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है, अब हम इसको कप के अंदर फिलिंग करवाएंगे। इसके कप के अंदर हम लोग फिलिंग करवा रहे हैं। ओके, तो ये हमने सारा सैंपल कम्प्लीटली कप के अंदर भर दिया है। अब हम देखते हैं विकेट प्लंजर पे इसकी टेस्टिंग करवाएंगे। इसको थोड़ा आगे लेके आइए, विकेट प्लंजर को पहले इसको आगे लेके आइए। इनको सबको मिक्सिंग टूल को हटा दो, यहाँ से मिक्सिंग टूल को हटा दीजिए। तो ये देखिएगा अभी फ़िलहाल में यहाँ पर हमारी रीडिंग अभी 50 mm पर, अभी मैंने इसको नीडल को लूज़ नहीं करवाया है, मैं लूज़ करवाता हूँ, करिए लूज़। ओके, अभी मेरा मैंने टाइम नोट कर लिया है, दैट इज़ 11:31, 11:31 पर अब हम लोग इसकी पेनिट्रेशन चेक करेंगे कि 5 mm तक पेनिट्रेट ये कितनी देर में कर जाएगा। तो ये देखिएगा अभी मेरा 12:11 हुई हैं और मेरी रीडिंग 5 mm पर आ चुकी है। तो मैं कह सकता हूँ मैंने 11:31 पे स्टार्ट किया था, अभी 12:11 हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि 40 मिनट में ये 5 mm तक ये नीडल पेनिट्रेट करके गया ही, फ्रॉम 50 mm टू 5 mm पे पहुँचा है। तो वी कैन से दैट 40 मिनट्स इज़ आवर इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। तो देखिएगा अब हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम को चेक करने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम इसमें नीडल लगाने वाले हैं फाइनल सेटिंग टाइम की, FST की। आपकी जो ये नीडल लग रही है, ये नीडल जब मार्किंग बनाना बंद कर दे, मतलब मार्क डालना बंद कर दे इसके ऊपर, जैसे कि फ़िलहाल में ये देखिए अब इसने मार्क डाला है, अब तो इसने मार्किंग कर दी, अब इसने मार्किंग कर दी, तो जब ये मार्क बनाना बंद कर देगा उस टाइम पर ये फाइनली सेट हो जाएगा, ये सीमेंट जो है हमारा उस टाइम पर ये फाइनली सेट हो जाएगा। तो आज हमने ये प्रोसेस अभी स्टार्ट किया है, अभी 12:15 हुआ है, 12:15 हैं, तो हम देखते हैं ये कितनी देर में सेट होता है, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, मीन्स 10 hours से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग इसको 5-6 घंटे के बाद एक बार फिर चेक करके देखेंगे। तो ये देखिएगा अब मेरा 6:30 हो चुका है, 6:30 हो चुकी हैं। अब हम जब चेक कर लेते हैं कि मार्किंग बना रहा है कि नहीं बना रहा है, देखिएगा एक बार चेक करके। हमने इसको विकेट प्लंजर को लूज़ करवाया और अब हम इसमें देख रहे हैं कि इसके अंदर मार्किंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिखाइएगा, उठाइए इसको, नहीं मार्क नहीं बना। इसका मतलब हम कह सकते हैं हमने 12:15 टेस्ट स्टार्ट किया था फाइनल सेटिंग टाइम का, अभी 6:30 हो चुके हैं, तो मीन्स 6 hours and 15 minutes इज़ आवर फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। तो ये देखिएगा हमने 11:31 से लेकर के हम 12:11 पे गए थे, रीडिंग हमारी एग्जैक्ट 5 mm आ गई थी। तो मैं कह सकता हूँ इनिशियल सेटिंग टाइम इज़ 40 मिनट्स, इट शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स। तो इसका मतलब इस सीमेंट को मैं कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं फाइनल सेटिंग टाइम पे आता हूँ। टाइम ऑफ इम्प्रेशन मार्क चेकिंग हमने कब चेक किया, हमने 12:15 पे ये स्टार्ट किया था जब इसकी नीडल लगाई, और 6:30 पर हम देखते हैं कि टाइम ऑफ इम्प्रेशन मार्क मैंने चेक किया, और उसमें डज द एनुलर अटैचमेंट मेक्स एन इम्प्रेशन, नो
मेरा उसने कोई भी इसमें इंप्रेशन नहीं बनाया, इसका मतलब ये सीमेंट मेरी ओके है। तो 12:15 से और 6:30 तक का तो मैं कह सकता हूँ फाइनल सेटिंग टाइम हमारा निकल के आया है 6:15 शुड नॉट बी लेस देन, सॉरी माई मिस्टेक, शुड नॉट बी मोर देन 10 आवर्स। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये रहा एक्सेप्टेबल वैल्यू एज पर IS कोड नंबर 4031 पार्ट नंबर 5 ऑफ सीमेंट इज मैक्सिमम 600 मिनट्स। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी सीमेंट कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पर एक्सेप्टेबल वैल्यू एज पर IS कोड नंबर 4031 पार्ट नंबर 5 ऑफ सीमेंट इज मिनिमम 30 मिनट्स। ये मैंने दोनों रेंज लिख भी दिया है। सो माय डियर लर्नर्स, टुडे वी परफॉर्म द टेस्ट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट and we found that our initial setting time of cement as 40 minutes and final setting time of cement as 6 hours and 15 minutes that is 315 minutes, which is less than 600 minutes and 40 minutes is more than 30 minutes, means both limits of initial and final setting times are within their prescribed limits as per IS code number 4031 part number 5. So अभी हमारा एक टेस्ट और भी बचा हुआ है, दैट इज क्यूब्स की फिलिंग कैसे होती है सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। सो आई विल मीट विद यू दिस टेस्ट ऑफ क्यूब्स फिलिंग फॉर डिटरमिनेशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल मीट विद यू अलॉन्ग विद मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन माई अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।